फिलहाल भाई लॉकसम में अगर इन्वेस्ट फिर से करना चाहते हो तो यहाँ कमेंट करने से पहले कि भाई ये रियल हैं और ये फेक नहीं है, ऐसा कुछ अगर कमेंट करने वाले हो तो कमेंट करने से पहले आप खुद अपनी आंखों से गूगल पर सर्च करके पढ़ लेना कि लॉकसम इंडिया में एग्जिस्ट अगर करती है तो सिर्फ और सिर्फ CFL बल्ब वाले में, उसके अलावा लॉकसम जो है रेंटल कंपनी है और वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ कमेंट करना कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। दोस्तों लॉकसम इंडिया के नाम से काफ़ी लोगों के पास जो है वर्क फ्रॉम होम का कुछ इस तरीके का मैसेज जो है जा रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आपको जो है सेलेक्ट कर लिया गया है, आपकी डेली की सैलरी जो है 9,000 रुपये तक की होगी और आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जब आप उस बंदे से कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपसे कहता है कि हमारा जो वर्क है वो लॉकसम इंडिया की तरफ से है और इसमें जो है हम लोग मशीन्स को रेंट वगैरह पर देते हैं और आपको जो है 500 रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर डे का आप जो है इन्वेस्टमेंट पर 20 रुपीज़ करीब पर डे का कमा सकते हैं। और इस तरीके से वो जो है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। ओवरऑल वो आपसे 500 रुपये इन्वेस्ट करवा देता है और आप जो है स्टार्टिंग में विड्रॉल भी पा लेते हो, ठीक है। 30-40 दिन 50 दिन तक का आपको समय दिया जाता है इन्वेस्टमेंट का और आपके जो है हर रोज़ 20 रुपये करीब उसमें बढ़ते हैं शायद, ठीक है, ऐसा वो दावा करती है। बाकी जो भी होता हो, जिसने लिया हो, जिसने किया हो, भाई उसको पता होगा, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीन ये नहीं है, सीन ये भी है साथ में कि भाई अगर आप जो है किसी और को ज्वाइन करवाओगे, अगर वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपको उसके ऊपर भी जो है कमीशन मिले। एक तो बंदा जो इन्वेस्ट करने वाला है, जो आपका दोस्त है, उसको भी मिलने वाला है, प्लस में उसके इन्वेस्टमेंट पर आपको भी कमीशन मिलने वाला है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को जोड़ते रहिए और आप जो है बिना इन्वेस्टमेंट के ही आपके इतने कमीशन बन जाएंगे कि भाई आप आराम से कमा लोगे, जो भी कमाओगे, जो भी अमाउंट है, ठीक है, भले ही वो बाद में विड्रॉल हो ना हो या फिर बाद में आपके जो दोस्त यार है वो आपको पकड़ के, भाई समझ सकते हो भाई, क्योंकि किसी के पैसे आप बर्बाद कराओगे तो आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। तो भाई यहाँ पर सीन यही है। बाकी लॉकसम इंडिया के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, फिर से बनाने का रीज़न ये था क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मैंने जो है 500 रुपये इन्वेस्ट किया, मुझे 1,000 विड्रॉल मिल गए, मैं जो हूँ काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और अब पैसे कमा रहा हूँ। तो भाई आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि आप लोग बोल क्या रहे हो भाई, 500 रुपये आप इन्वेस्ट किए, आपने इतना दिन वेट किया, आपने 1,000 रुपये कमा लिया, ठीक है। देखो यार, आप कोई आदमी जो है एक ऐसा मान लो कंपनी चला रहा है, फ्रॉड जो कर रही है, मान लीजिए वो आपको 500 रुपये में आप से इन्वेस्ट करवा करके आपको 700, 800 या 1,000 रुपये देती है, उसके बदले में आपसे जो है विश्वास जीत लेती है और वो जो है आप विश्वास जैसे ही आपसे जीतेगी तो आप जो है बाद में अंधाधुन उसमें पैसे लगाओगे, उसके प्रोडक्ट्स भी और भी प्रोडक्ट्स खरीदोगे, क्योंकि आप मात्र 400-500 रुपये करने के लिए तो नहीं महीना भर वेट करोगे। सिंपल सी बात है कि 500 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो उस अकाउंट में कि भाई पैसे भी बढ़ रहे हैं मेरे और 400-500 रुपये बढ़ते ही आपने विड्रॉल भी ले लिया, इससे तो आपका विश्वास जीत लिया। अब आप क्या करोगे भाई, 500 ही इन्वेस्ट करोगे? नहीं, आप जो है 7,000-8,000 वाला जो प्रोडक्ट है उसका उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे, 5,000-10,000 लगाओगे, ये करोगे वो करोगे और अपने दोस्त लोगों को भी जो है ज्वाइन करवाओगे बिना कोई डाउट के। आप सोचोगे कि भाई विड्रॉल तो देती है, ठीक है, तो अब आप जो अपने दोस्त लोगों को भी इन्वेस्ट कराओगे। तो यही सीन है भाई, आप लोगों में से मैक्सिमम जो कमेंट्स थे जो कि मुझसे ये कह रहे थे कि भाई हम लोग के नीचे जहाँ 20-20 लोग काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं सभी, तो भाई वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग रेफर कर रहे हैं, मैंने ज्वाइन कराया आपको, आपने ज्वाइन कराया उसको, उसको, इस तरीके से सबको कमीशन मिल रहा है क्योंकि भाई कंपनी को 7,000-7,000 आप 6,000-6,000 ला करके दे रहे हो इन्वेस्टमेंट के नाम पर। अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उसने 5,000-7,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया और बदले में आपको 500 रुपये अगर वो कमीशन दे भी दे तो ऐसे में भी तो उसके पास पैसे बचेंगे, फिर वो बंदा भी तो ज्वाइन कराएगा किसी को, फिर वो भी 5,000-7,000 लेकर के आएगा, उसको 500 मिलेंगे। तो कहने का मतलब है इस तरीके से तो सीन चल ही रहा है, लेकिन भाई ये स्कैम है ना, स्कैम इसलिए है क्योंकि आप जब आप गूगल पर सर्च करोगे लॉकसम इंडिया करके तो यहाँ पर जो है आपको एक CFL बल्ब वाला जो है न्यू दिल्ली लोकेशन में आपको एक परमानेंटली क्लोज यानी कि वो बंद भी शायद हो चुका है, वो एक फैक्ट्री बोल लीजिए, कंपनी बोल लीजिए, वो देखने को मिलेगा और वहाँ पर जो है वो CFL बल्ब का काम करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस लॉकसम की जो कि ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हो दोस्तों, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि इंडिया के अंदर जो है ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये फ्रांस की कंपनी है और कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है कि ये लोग जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं। दूसरी बात, ये लोग जो है रेंट पर देते हैं अपनी मशीन्स को, वो तो लिखा हुआ है लेकिन इन्वेस्टमेंट का शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि चाहे इंडिया में चाहे कहीं भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है।
तो फिर श्योरिटी के साथ आप लोग कैसे कह लेते हो यार कि लॉक्सम इंडिया एकदम रियल हैं और जो वीडियोस जो हैं सब फेक हैं या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो फेक बता रहा हूँ, ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हो? आप अपने दोस्त को जो है गुमराह करके उसको ज्वाइन करवा रहे हो, 5-7 हज़ार रुपये उसे इन्वेस्ट करवा दे रहे हो, बदले में आपको 200-400 रुपये 500 रुपये मिल जा रहा है, आप खुश हो जा रहे हो भाई चलो पैसे कमा लिए, लेकिन दूसरे के पैसे तो आपने 5-7 हज़ार फंसा दिए ना। अब आपने उस दोस्त को बोलो ना कि पूरे पैसे अपने विड्रॉल करके दिखा दे, नहीं कर पाएगा वो, उसको भी कहा जाएगा भाई नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वो या तो जोड़ेगा अपने दोस्तों को पैसा कमाने के चक्कर में या फिर वो पैसे उसको 30-40 दिन 50 दिन तक जो है रखने होंगे, उसके बाद उसके पैसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और उसके बाद शायद वो विड्रॉल कर पाए नहीं कर पाए वो भी श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा वजूद भाई, जिस कंपनी का वजूद भाई इंटरनेशनल में है लेकिन वो इंडिया में डील ही नहीं करता है, और कोई आपसे कह रहा है कि भाई इंडिया में ये जो है हमारे बाप की कंपनी है लॉक्सम इंडिया और भाई हम जो है इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो ऐसे में आप अगर यकीन कर रहे हो तो आप समझ सकते हो आप क्या कर रहे हो। जिस बंदे को ना तो आप फेस टू फेस देखे हो, ना ही वीडियो कॉल पर, ना ही फोटो में, ना ही कहीं भी, और ऐसे में अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हो कि लॉक्सम जो है उसकी बाप की कंपनी है, तो भाई आप विश्वास कर सकते हो, अपने पैसे भी फूको साथ में अपने दोस्त लोगों के भी इन्वेस्टमेंट कराओ, मेरा क्या जाएगा। मेरा काम था समझाने का, आप लोगों को अवेयर करने का कि भाई अगर आप किसी भी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके बारे में जानो तो सही कि सच में क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये ट्यूबलाइट बल्ब वाले जो लॉक्सम इंडिया में है ये भी परमानेंटली क्लोज हो चुके हैं और ये लोग कहीं से भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एक ही सवाल आप लोगों से है कि अगर आप लोग अपने पैसे, अपने कमाए हुए पैसे, किसी भी तरीके से आप लोग पैसे कमाते हैं, मान लीजिए जॉब करके या स्टूडेंट है, आप पैसे वगैरह सेव कर रहे हैं या जो कुछ भी है आपके पास, जो भी पैसे हैं भाई एकदम मेहनत के पैसे हैं, ठीक है, और अगर उसको आप किसी को भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उस बंदे को आप जानते नहीं हो, एक विश्वास पे कर रहे हो कि लॉक्सम इंडिया में है और लॉक्सम में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, इस पर हम ना पैसा लगा रहे हैं, हम दोस्तों को ज्वाइन करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक विश्वास भी तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको देखे नहीं हो, चाहे वो वीडियो कॉल पर हो चाहे कहीं भी, और उसके बाद भी दोस्तों जो है आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हो कि लॉक्सम में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। और अगर ऐसे में लॉक्सम खुद जो है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है जो कि गूगल पर आपको देखने को मिलता है, अगर वो खुद ही चीख चीख कर कह रही है कि भाई इंडिया में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी भी तरीके से, कहीं भी नाम ही नहीं है इंडिया का उसमें, तो उसके बाद भी अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तो भाई यही बात है ना कि आप खुली आंखों से जो है भाई अपना चश्मा लगा करके मतलब अंधा बनने का काम कर रहे हो। यहाँ पर बताने का सीन यही है भाई कि कल को जो है जब वो लोग आपको आपके पैसे विड्रॉल नहीं करने देंगे, उसके बाद जो है आपको मेरी बात ही याद आएगी और उसके बाद जो है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग अपने हाथों से जो है अपने पैसे बर्बाद कर चुके रहोगे, उसके बाद आप साइबर क्राइम में यहाँ वहाँ बस चक्कर लगाओगे, शायद आपको आपके पैसे मिल पाए वो भी बहुत ही कम चांस हैं, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। ऐसे में दोस्तों उससे पहले ही सुधर जाना सही रहेगा, क्योंकि भाई जिस कंपनी का वजूद है वो कंपनी अगर कह रहा है कि भाई मैं इंडिया में नहीं हूं तो नहीं हूं, ऐसे में अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई मेरे बाप की कंपनी और इंडिया में है और मैं इन्वेस्टमेंट करा रहा हूं, तो आप लोग भाई बेवकूफी खुद ही कर रहे हो ना इसको ज्वाइन करके। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आप सोचते हैं भाई सोचते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन में किसी भी तरीके का स्कैम हुआ है उसकी जानकारी को आप मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि इस पर एक अवेयरनेस वीडियो बना करके भाई मैं और किसी की हेल्प कर सकूं और वो लोग जो हैं इस तरीके के स्कैम के चक्कर में नहीं फंसे, क्योंकि भाई पैसे जो हैं बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है कमाने में। सो किसी के पैसे अगर फंस रहे हैं किसी भी तरीके से स्कैम में जा रहे हैं तो भाई अच्छी बात नहीं है भाई, उसमें दर्द भाई मुझे भी होता है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा और मिलिए मुझसे वहाँ पर और बात कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए अपने साथ हुए एक्सपीरियंस को। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल भाई लॉक्सम में अगर इन्वेस्ट फिर से करना चाहते हो तो यहाँ कमेंट करने से पहले कि भाई ये रियल हैं और ये फेक नहीं है, ऐसा कुछ अगर कमेंट करने वाले हो तो कमेंट करने से पहले आप खुद अपनी आँखों से गूगल पर सर्च करके पढ़ लेना कि लॉक्सम इंडिया में एग्जिस्ट अगर करती है तो सिर्फ और सिर्फ सीएफएल बल्ब वाले में, उसके अलावा लॉक्सम जो है रेंटल कंपनी है और वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, पढ़ लेना, उसके बाद यहां कमेंट करना कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और पैसे कमा रहा हूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।